हिंदी हॉरर सिनेमा में भूतों के किरदार तो कई एक्टर्स ने निभाए, लेकिन कोई भी कलाकार भूत के रोल में इतना रियलिस्टिक नहीं दिखा जितने कि ये। चाहे किसी दानव का रोल हो, राक्षस का रोल हो, भूत का रोल हो, या फिर चाहे किसी डरावने दिखने वाले गुंडे बदमाश का रोल हो, डायरेक्टर्स की पहली पसंद सिर्फ यही होते थे। इनका नाम है शमसुद्दीन और किस्सा टीवी में आज हम इन्हीं की जिंदगी का किस्सा आपको बताएंगे। इनका पूरा नाम था शमसुद्दीन शेख मनियार। इनकी पैदाइश और शुरुआती जिंदगी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनकी लंबाई 7 फीट थी। इस दैत्याकार लंबाई और खतरनाक दिखने वाले चेहरे मोहरे के चलते 80 और 90 के दशक में ये ज्यादातर एक्शन फिल्मों में नजर आते थे। इनके करियर की शुरुआत हुई थी साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म कातिलों के कातिल से। इस फिल्म में ये रीचा के किरदार में नजर आए थे। रीचा का किरदार इतना खौफनाक था कि उस दौर में लोग इन्हें देखकर इनसे खौफ खाने लगते थे। रीचा आधा इंसान और आधा जानवर था। रीचा एक यादगार किरदार बन गया। भारत में बनी हॉरर फिल्मों में शमसुद्दीन सबसे खतरनाक नजर आने वाले भूत थे। हॉरर फिल्मों के भूत के रोल के लिए डायरेक्टर्स की सबसे पहली पसंद अगर कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ शमसुद्दीन थे। यूं तो इन्होंने कई भूतिया फिल्मों में काम किया था, लेकिन इनमें सबसे मशहूर थीं तहखाना, डाक बंगला, वीराना, शैतानी इलाका और खूनी महल। इस बात से बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं कि वीराना फिल्म में भूत का किरदार इन्होंने ही किया था। हालांकि फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरोइन के अंदर ही भूत की आत्मा वास करती है, लेकिन जो भूत फिल्म में आपने देखा था वो वास्तव में शमसुद्दीन ही थे। ये रामसे ब्रदर्स के सबसे पसंदीदा एक्टर थे। इस तस्वीर में रामसे ब्रदर्स के साथ शमसुद्दीन ही बैठे नजर आ रहे हैं। रामसे ब्रदर्स के साथ इन्होंने कई फिल्मों में काम किया था और ये केवल भूतिया फिल्मों में भूत ही नहीं बने, इन्होंने कई फिल्मों में गुंडे का किरदार भी निभाया था। इनकी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। देश प्रेमी, करिश्मा कुदरत का, त्रिदेव, हातिमताई, सूर्यवंशी और इश्क जैसी फिल्मों में भी शमसुद्दीन ने अपनी भीमकाय शख्सियत से लोगों को खौफजदा किया। फिल्म सूर्यवंशी में सलमान खान और शमसुद्दीन के बीच का लड़ाई वाला वो सीन हर उस इंसान को याद आता होगा जिसने वो फिल्म देखी होगी। वहीं हातिमताई में जितेंद्र और हैवान बने शमसुद्दीन के बीच की वो खौफनाक लड़ाई भी उस दौर में हर किसी को पसंद आई थी। किशन कन्हैया में सिनेमा हॉल में अनिल कपूर शमसुद्दीन से भिड़ जाते हैं। अनिल कपूर शमसुद्दीन के सामने काफी नाटे नजर आते हैं। ये फाइट सीन भी लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके अलावा फिल्म इश्क में नवाब के रोल में नजर आए रजाक खान के बॉडीगार्ड बने शमसुद्दीन की पर्सनैलिटी किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुम करने के लिए काफी थी। फिल्म डाक बंगला में ये तहखाने में रखी एक ऐसी ममी थे जो सालों से वहां मौजूद थी और जो घर के नए मालिकों पर अपना कहर बरपाती है। इस फिल्म में ममी बने शमसुद्दीन बेहद खौफनाक दिखाई दे रहे थे। इस बात से तो शायद ही कोई वाकिफ होगा कि शमसुद्दीन ने विक्रम और बैताल नाम के दूरदर्शन के एक बेहद मशहूर शो में भी काम किया है। इस शो में ये एक राक्षस के रूप में नजर आए थे और इन्हें लोगों ने इस रोल में भी काफी पसंद किया था। ये वो दौर था जब भारत में केवल दूरदर्शन ही इकलौता टीवी चैनल था। उन दिनों टीवी भी भारत में इतने आम नहीं थे, लेकिन फिर भी शमसुद्दीन को काफी लोकप्रियता मिलने लगी थी। 5 दिसंबर 2016 को शमसुद्दीन की मौत मुंबई के चेंबूर स्थित एक अस्पताल में हो गई थी। अपने दौर का ये इतना शानदार विलेन अपनी मौत के वक्त गुमनामी के अंधेरों में जा चुका था। इनकी मौत के मौके पर ना तो बॉलीवुड के किसी सितारे ने कुछ कहा और ना ही मीडिया में कोई खबर आई। शायद अपने दौर के इस खौफनाक शख्सियत के मालिक एक्टर को सब भूल चुके थे, लेकिन किस्सा टीवी ऐसे कलाकारों को हमेशा याद करेगा और इन्हें इनके हक का सम्मान जरूर देगा।